हो जा, सागर हो गया, गागर हो गया, समंदर हो गया, आसमान हो गया, चांद सितारे हो गए, ऐसे क्यों नहीं कह देता हो जा मुस्लिम, पूरा अमरीका मुसलमान हो जाएगा, पूरा यूरोप हो जाएगा, पूरा अफ्रीका हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान हो जाएगा, कुफर पे कोई अटल नहीं होगा, सब टल जाएंगे, बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, बदली आ जाएगी। रब ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब तो अपने रब को पहचानो, नंबर दो, एक भी काफिर नहीं था, कोई भी काफिर नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई काफिर हो तो बताओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले, उनके जहूर से पहले, उनके ऐलाने नबूवत से पहले कोई काफिर था? अल्लाह को मानने वाले सब थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अल्लाह की तपस्या करने वाले, पूजा करने वाले, परस्तिश करने वाले, वर्शिप करने वाले मौजूद थे। पहला काफिर है इबलीस। पहला काफिर कौन है? इबलीस। और काफिर बना किस वजह से? नबी की वजह, ताजीम नहीं की, इबादत किया, ताजीम नहीं किया। अल्लाह ने कहा ये मेरा नहीं, क्या डिक्लेयर किया रब ने, ये मेरे नबी जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। अब तो अल्लाह को पहचानो। हम आत्मा जगत में थे, हमें आजादी नहीं थी, हम मां के पेट में आए, हमें आजादी नहीं है, हम कब्र में जाएंगे वहां भी आजादी नहीं मिलेगी, महशर में भी आजादी नहीं है, सिर्फ इसी दुनिया में हम थोड़ा सा आजाद हैं। मां के पेट से निकल के कब्र के पेट में पहुंचने से पहले तक हम आजाद हैं, चाहे नेकी करो चाहे बुराई करो, चाहे ब्रह्मचारी बनो चाहे अत्याचारी बनो, चाहे नेक बनो चाहे बद बनो, चाहे शहीद बनो चाहे यजीद बनो, यह आपकी आजादी है। इसी आजादी का नतीजा था कि लोगों ने रसूल पाक पे जुल्म किए, दंदाले मुबारक को शहीद किया गया, मक्के की धरती को कम उनके लिए तंग किया गया। इसी आजादी का नतीजा था कि जिसके जीव में मुंह में आया नबी को कहा, जिसके मुंह में जो आया अली को कहा, जिसके मुंह में जो आया वली को कहा, जिसके मुंह में जो आया शेखुल इस्लाम को कहा, जिसके मुंह में जो आया मुहंदिस आजम को कहा, जिसके मुंह में जो आया उसने हमारे खानवादे को कहा। यह आजादी आपको इसीलिए दी गई ताकि सही रहो तो सही जगह पहुंचाई जाओ। अब आइए, नबी की जरूरत हमें इसलिए है कि नबी हमारे और खुदा के बीच वसीला है, जरिया है। जब बात वसीले की आती है तो यह ख्याल भी आ जाता है प्रभु एलेहिल वसीला के तहत, वसीला ढूंढो, वसीले को पकड़ो, कुरान में है, हाजी है, मगर वसीला है नमाज, वसीला है रोजा, वसीला है हज, वसीला है जकात, अमल सालेह, नेक अमल, अच्छे कर्म, ये वसीला। तो अगर वसीला पकड़ना है तो नमाज पकड़ो, अजमेर जाने की क्या जरूरत, वसीला पकड़ना है तो वसीला को पकड़ना है तो रोजे को पकड़ो, मदीने जाने की क्या जरूरत,
वसीला अमल सौले है, तफसीरों में है कि नेक अमल है। यहां थोड़ा सा सुनियो, मानता हूं कि कुरान उतरा है हिजाज में, उतरा है हिजाज में, पढ़ा है उसे मिस्र ने, लेकिन समझा है हिंदुस्तान। तुम्हें कुरान का तर्जुमा तो अरब में मिलेगा, मगर अहमद रजा अरब में नहीं मिलेगा। तुम्हें खतीब तो अरब में मिलेगा, मगर मुहद्दिस आजम हिंद नहीं मिलेगा। समझा है हिंदुस्तान, समझा है हिंदुस्तान ने, और आज भी समझाने का हक अदा कर रहा है हिंदुस्तान। आने तो तफसीर शरफी दुनिया भर पड़ेगी, अभी तक हम